चंडीगढ़ प्रशासन के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा चलाए जा रहे भिखारी मुक्त चंडीगढ़ अभियान के चलते 5 नवंबर चंडीगढ़ सेक्टर 17 के प्लाजा में विशेष आयोजन आयोजित किया गया था। आयोजन गवर्नमेंट कॉलेज की छात्रों ने फ्लैश मॉब में कई गानों पर डांस कर शानदार प्रस्तुति दी। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहित करने के खिलाफ जागरूक और प्रेरित करना था। ये पहल शहर में बाल श्रम और मानव तस्करी से जुड़े शोषण को रोकने का प्रयास करती है। इस कार्यक्रम में चंडीगढ़ प्रशासन के सलाहकार श्री राजीव वर्मा की पत्नी श्रीमती रचना वर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उनके अलावा समाज कल्याण सचिव श्रीमती अनुराधा चगती और समाज कल्याण निदेशक श्रीमती पालिका अरोड़ा सहित कई अधिकारी भी शामिल हुए। इस पहल के तहत सामाजिक कल्याण विभाग ने करीब 20 व्यक्ति को बचाया और पुनर्वास किया। इसी के साथ सामाजिक कल्याण विभाग ने सभी चंडीगढ़ निवासियों से प्रभावशाली अभियान में शामिल होने का आग्रह भी किया। ये छात्र GCG 11 की छात्राएं थी जिन्होंने ये फ्लैश मॉब किया। ये चंडीगढ़ प्रशासन का समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग ने हमने इनको रिक्वेस्ट की थी। हमारा 15 दिन से नो बेगरी का कैंपेन चल रहा है जिसमें हमें काफी सफलता भी मिली, पर लोगों को इसके बारे में और जागरूक करने के लिए हमने ये जो फ्लैश मॉब है ये ऑर्गेनाइज किया गया। बच्चियों ने बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया जिसके कारण बहुत सारे लोग जो आसपास यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं वो हमारे पास आए और उन्होंने देखा कि क्या हो रहा है। इससे एक अट्रैक्ट किया गया लोगों को जो शॉपिंग करने आए हैं और उन तक ये मैसेज पहुंचाया गया कि आप जो है भीख मत दीजिए, स्पेशली बच्चों को भीख मत दीजिए। हम इस वक्त मौजूद हैं सेक्टर 17 चंडीगढ़ के प्लाजा में जहां पे प्रशासन की ओर से एक अहम पहल हुई थी। ये पहल हुई थी चंडीगढ़ को बेगर मुक्त बनाने के लिए, बेगर फ्री बनाने के लिए। ये कार्यक्रम जो किया था वो किया था गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ गर्ल्स सेक्टर 11 की स्टूडेंट्स ने। बहुत सुंदर कार्यक्रम था, भांगड़ा हुआ था, टीचर्स के साथ बहुत सुंदर डांस हुआ था गानों पर। अर्थ प्रकाश के लिए वीडियो जर्नलिस्ट अजीत कौशल के साथ पलक जैन।